शिवपुरी के सिरसौ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गोगलीपुरा में एक युवती के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। युवती के साथ यह घटना बीते शनिवार को हुई है, जिसके बाद युवती ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी दो आरोपी और फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर युवती और युवती के परिजनों ने आज सुबह SP ऑफिस में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। युवती ने बताया कि वह अपने खेत से घर लौट रही थी, तभी बीच रास्ते में तीन लोग मिले और उसे सरसों के खेत में जबरदस्ती लेकर गए, जहां उसके बाद गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हाँ भैया, क्या नाम है आपको? मेरा नाम जानकिला राव। आज आप SP ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेकर? जी हम ऐसे ही आए हैं कि 11 तारीख को हमारे साथ में बलात्कार का केस हो गया। वो किसके साथ में हुआ था? बलात्कार लड़की के साथ में। अच्छा, कौन था वो व्यक्ति? वो मानसिंह रावत है, गौरव रावत है और अनुरू रावत है। फिर वो मानसिंह रावत मंडल अध्यक्ष है। नजदीकी थाने में कंप्लेंट नहीं किया आपने? कंप्लेंट थाने में कंप्लेंट की, थाने ने मतलब हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, आज SP ऑफिस आए हो आप, क्या हुआ? मतलब SP ऑफिस गिरफ्तार नहीं कर रहे, SP ऑफिस हम इसलिए आए हैं कि हमारी कोई सुनवाई हो जाए। हमें आगे चल के मतलब आज पूरी रात से दबाव के चक्कर में हम बिल्कुल सोए नहीं। कौन दबाव बना रहा है आपको? गाँव वाले मान सिंह रावत और बेका का इसमें से रिश्तेदार जोड़ के। किस प्रकार का दबाव बना रहे? अरे कि जाहिरनामा कर लीजिए, कोई बात की मतलब दबाव सेवा से मतलब एक लोग गिरफ्तार इसलिए। अभी आप SP साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया आपको? SP साहब नहीं मिले, वो तो दूसरे साहब होते। SP साहब ही हैं वो? हाँ, तो वो बैठे बनना नौ कही थी एक आदमी, मैं उनको मैं हाजिर करवा दूंगा। जी मानसिंह, अब क्या चाहते हो आप? आप हम जो चाहते हैं कि हमारी सहायता हो जाए सर। हम जी मानसिंह को गिरफ्तार, मानसिंह को गिरफ्तार होना जरूरी है। मानसिंह के नाम हमारे लाइसेंस भी है और बंदूक भी जवाब है। नहीं, ये हमारे सिरसों थाने में पीड़िता के द्वारा लैंगिक शोषण की एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था, तो संपूर्ण धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गिरफ्तार की मांग कर रहे थे। क्योंकि आरोपी को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें तीन आरोपी नामजद हैं, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, शेष और बचे हैं, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम बना के भेजी गई है। यहाँ पे इनके द्वारा मात्र आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनके द्वारा परिवारजन आए हुए थे, तो जिनको समझाइश देकर वापस रवाना किया है। साथ ही उक्त अपराध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, आश्वासन के नहीं है, जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसमें बकायदा वैधानिक और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार करना हमारा लक्ष्य है, हम टीमें बनाई है, आरोपी गिरफ्तार जल्द कर ली जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।